नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों की। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी की नींद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजों ने उड़ा दी है। इन चुनावों में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी सहित प्रदेश भर में सपा ने बीजेपी को करारी मात दी है। यूपी के ये तीनों जिले योगी आदित्यनाथ सरकार के एजेंडे में शामिल रहे हैं और पिछले 4 सालों में इन जिलों पर सरकार काफी मेहरबान रही है। इसके बावजूद अयोध्या मथुरा काशी में मिली करारी मात एक बड़ा सियासी संदेश दे रहा है। राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या जनपद में कुल जिला पंचायत सदस्य की 44 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम फहराया। यहां बीजेपी को महज 6 सीटें ही मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपा की हालत चिंताजनक है। एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में भी काशी में करारी मात मिली है। जिला पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां 14 सीटों पर कब्जा किया है। बसपा की बात करें तो उसने यहां 5 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि बनारस में अपना दल को 3 सीटें मिली है। आम आदमी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी 1-1 सीट मिली है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की बात करें तो मथुरा जिले की यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मारी है। यहां पर बसपा के 12 उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया है। बसपा के बाद आरएलडी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बरस रहा है। प्रतिदिन आंकड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहीं अब दिल्ली बायोमेडिकल कचरे की भारी वृद्धि का भी सामना कर रहा है। दरअसल बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल 7.2 टन का कचरा प्रतिदिन जमा हो रहा था, जो अब करीब 12.5 से 13 टन तक जा पहुंचा है। बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रवक्ता विकास गहलोत ने बताया कि हमारे पास 34 टन प्रतिदिन कचरा जमा करने की कैपेसिटी है। अगर इसी तरह कोरोना के मामलों में इजाफा होता रहा तो हम इस क्षमता तक जरूर पहुंच जाएंगे। प्रवक्ता विकास गहलोत ने आगे कहा कि ये पहली बार हुआ है कि हम इस कचरे की मात्रा को लेकर चिंतित हैं, पर कुल मात्रा की बात की जाए तो बीते साल के मुताबिक इस साल मात्रा बेहतर है। इसका मुख्य कारण कोरोना गाइडलाइंस को बताया जा रहा है या फूड वेस्ट और जनरल वेस्ट इसमें शामिल न होना एक और कारण हो सकता है। 3 नगर निगम द्वारा शेयर किए डाटा के मुताबिक मार्च महीने में 700 किलो बायोमेडिकल वेस्ट जमा हुआ था, जो वहीं अप्रैल महीने में 3 टन तक जा पहुंचा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अप्रैल में 448.28 किलोग्राम कचरे को इकट्ठा किया था, जबकि मार्च में 170.8 किलोग्राम था। वहीं अप्रैल महीने में मामले जब चरम पर जा पहुंचे तो उत्तर नगरीय निकाय ने अप्रैल में 2776 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरा जमा किया, जिसमें 23 से 29 अप्रैल के बीच 900 से ज्यादा किलो कचरा जमा हुआ। वहीं दक्षिणी दिल्ली में 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच बायोमेडिकल कचरे की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने कोविड टीकों की नई खरीद के लिए आदेश जारी नहीं किए। इन रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र ने 2 वैक्सीन निर्माता कंपनियों को मार्च 2021 में आखिरी ऑर्डर दिया था, जिसके तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 10 करोड़ टीकों और भारत बायोटेक को 2 करोड़ टीकों की आपूर्ति के लिए कहा गया था। सरकार ने दावा किया है कि मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत होने के साथ ही तथ्यों पर आधारित नहीं है। केंद्र ने प्रेस रिलीज में स्पष्ट करते हुए कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस साल मई जून और जुलाई महीनों में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ खुराकों के लिए 100% अग्रिम भुगतान के रूप में 1732.50 करोड़ रुपए 28 अप्रैल 2021 को जारी किए गए थे। कंपनी को यह रकम उसी दिन यानी कि 28 अप्रैल 2021 को ही मिल गई थी। कोविशील्ड वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए दिए गए पिछले आदेश के बाद से ही 3 मई 2021 तक कंपनी ने 8.774 करोड़ खुराक मिल चुकी है। इसके लिए कहना कि भारत सरकार ने नए आदेश जारी नहीं किए पूरी तरह से गलत होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 2 मई 2021 तक भारत सरकार ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 16.54 करोड़ खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई है। जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 78 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध है। आने वाले 3 दिनों में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 56 लाख से अधिक खुराक और मिल जाएंगी, यानी कि व्यवस्था जो है और सही होने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।